हाँ भाई थैंक यू। मैं तेरी हो गई साजना वे सुना तेरी हो गई साजना वे। अरे यार मैं उसको बोला। अरे अरे बाप तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे पिक्चर देखने आया हूँ। अरे पिछले एक महीने से फिल्म लगी है, तू आज आ रहा है? फिल्म देखना छोड़ दिया क्या? अरे बाप कभी पिक्चर देखना छोड़ नहीं सकता दोस्त। तो फिर ये फिल्म क्यों नहीं देखी? अबे टिकट नहीं देख रहा है, 10वीं बार देखने को आया हूँ और 40-50 बार देखने का इरादा है। और देखना इसी तरह पिक्चर देखते देखते मैं एक दिन बन जाऊंगा बॉलीवुड का अगला बादशाह। तेरे को मालूम है लोग बोलते हैं मैं बिल्कुल उसके जैसा दिखता हूँ। किसके जैसा? छोड़ यार वो सुनेगा तो बुरा मान जाएगा। कौन? तू भी नहीं पहचान पाया रे? हाँ यार। हार के जो जीतता है उसी को बाजीगर कहते हैं। मैं बन जाऊंगा बॉब द बाजीगर। अच्छा क्या ढूंढ रहे हो तुम? पिक्चर की टिकट पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। रवि तुम भी कमाल करते हो, यहाँ पिक्चर देखने और तुम टिकट ढूंढ रहे हो, जल्दी ढूंढो ना यार। तुम भी हद करती हो, कह रहा हूँ ना कि टिकट ढूंढ रहा हूँ। क्या है? है क्या देख रहे हो? देख क्या रहे हो तुम लोग? तमाशा चल रहा है यहाँ पे, जाओ ना अपना काम करो। रवि पिक्चर दिखाने लाए हो झगड़ा करने? देखो ये यहाँ पे क्या कर रहा है। कौन? तुम यहाँ रुको मैं अभी आया। पर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है? तू ऐसे मानने वाला नहीं है, तुझे तो मैं पाप जितना भागना है मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। रवि क्या कर रहे हो तुम ये सब? रवि चलो चलो यहाँ से चलो। रवि नहीं नहीं रवि। थोड़ा दूर रहिए आप लोग, चलिए आप लोग थोड़ा पीछे हटिए। ये आदमी जिंदा है, शायद बेहोश है। अभी मुनि वो लड़की जिंदा है, चाकू जरूर दिल के आसपास लगा है, ये चाकू निकाल कर इसे यहाँ से ले जाना पड़ेगा। चाकू को हाथ मत लगाना समर, इसे ऐसे रहने दो, पता नहीं क्या हो जाए। जैस्मिन इन दोनों को हॉस्पिटल पहुँचवाओ और देखो कि चाकू हिलने ना पाए। ओके यस सर। संभाल के उठाना। कौन है ये लड़की? हे मैं बताता हूँ। अरे बॉब तुम? मैं इधर पिक्चर देखने आया था साहब, ये जो आदमी है उसका नाम रवि है, वो जो लड़की बेचारी जिसको चाकू लगा है वो शायद उसकी वाइफ थी, ये दोनों भी पिक्चर देखने आए थे साहब। अभी तुम बोलो क्या बोल रहे थे? सर इसकी जेब में से ये पर्स मिला है, ये ड्राइविंग लाइसेंस, ये फिल्म की 2 टिकटें। इस आदमी का नाम है रवि और उसकी वाइफ का नाम है सुहाना। ओ, तुम इतने होशियार हो मुझे मालूम नहीं था बॉब। कहीं मैं खुशी के मारे पागल ना हो जाऊं, प्रताप सर मेरी तारीफ कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है, जल्दी करो। सर मैंने इसके घर वालों को फोन कर दिया। मगर एक बात समझ में नहीं आई, इसने मारा क्यों अपनी वाइफ को? पूछताछ करनी पड़ेगी आसपास। अरे क्या सर, आपको हीरे की पहचान ही नहीं है। अरे मुझसे पूछो, मैं हूं ना यहाँ पे, किसी और को पूछ के क्यों अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो? अरे वैसे भी तुम कहाँ चुप बैठने वाले हो बॉब? हाँ ठीक है, अभी मुन्नी तुम जाओ। वैसे ये सब कुछ मेरे सामने हुआ है। क्या देखा तुमने बोलो? मैंने देखा साहब कि आदमी जब से इधर आया ना तब से अपनी बीवी पे चिल्ला रहा था। कोई झगड़ा होता दोनों के बीच में? हाँ कुछ ऐसे ही, फिर अचानक अपनी बीवी के साथ झगड़ा करते करते वो यहाँ।
इधर एक आदमी खड़ा था उससे झगड़ा करने लगा। कौन था ये आदमी? अभी वो मुझे क्या मालूम, लेकिन था एकदम हाईफाई आदमी, मतलब गले में 8-10 सोने की चेन, 8 में सोने की अंगूठी, काला चश्मा, एकदम झकास लग रहा था मेरी माफिक। और हो ना हो, मुझे लगता है साहब उस आदमी का रवि के साथ कुछ पंगा था। कैसा पंगा? वो मुझे नहीं पता, मैंने दरअसल वो देखने के लिए आगे भागा, इतने में रवि ने उसको धक्का दिया और वो आदमी यहाँ से भागा। फिर उसकी बीवी शर्म के मारे पानी पानी हो गई और उसको खींच के इधर इधर लेके आई। मतलब तुमने उसे मारते हुए देखा बॉब? हे साहब, बस मेरा इतना ही कसूर, जब उसने चाकू मारा तो मेरा मुंह इधर था। बॉब, इसका मतलब यह होगा तुमने उसे चाकू मारते हुए नहीं देखा? हाँ नहीं, क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। मैं पिक्चर हॉल में जाने के लिए यूं ऐसे खड़ा था, इतने में लड़की की चीखने की आवाज यहाँ से आई। मैंने देखा तो लड़की नीचे पड़ी हुई थी, वो रवि ने उसको चाकू मार दिया था। चाकू रवि ने मारा है? उसे ने मारा होगा, क्योंकि डर के मारे उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। और मैं जब भाग के उसके पास पहुंचा तो मुझे देख के बेहोश हो गया। किसी और ने मारा ये चाकू? साहब मैं बोलता हूँ चाकू रवि ने मारा है, क्योंकि वो लड़की बार बार चिल्ला रही थी रवि नहीं रवि नहीं। तुम जाओ। हाँ समर, क्या हुआ? सर इस मॉल में अंदर आने का एक ही रास्ता है ये, लेकिन बाहर जाने के 3 रास्ते हैं, एक दाईं ओर, दूसरा बाईं ओर और तीसरा ये पीछे की तरफ। वो आदमी कहाँ से भागा होगा जिससे रवि ने धक्का दिया था? सर वो यहाँ से पीछे वाले रास्ते से। तो किसी ना किसी ने तो उसे जरूर देखा होगा। हाँ सर, सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था, लेकिन वो इंसान इतनी तेजी से भागा कि सामने से आती हुई गाड़ी भी नहीं दिखी, गाड़ी से टकराया था वो। वो आदमी दिखता कैसे था? सर सिक्योरिटी गार्ड उसकी शक्ल नहीं दिख पाया, लेकिन उसने वो सब बताया जो बॉब ने बताया था। शाबाश बॉब। बॉब ने बताया तो कोई वैल्यू नहीं, ऐसा ही होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। समर तुम इस मल्टीप्लेक्स में इंक्वायरी चालू रखो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओके यस सर। आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। डॉक्टर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या रवि बात कर सकता है? सर फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, हालत बहुत खराब है, गहरा झटका लगा है। बीवी को चाकू मारने के बाद और क्या होगा आदमी का? लेकिन सर इस आदमी की हालत देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि आदमी अपनी बीवी का इतनी बेरहमी से खून कर सकता है। देखिए आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता है। आज जब दोनों घर से बाहर निकले थे फिल्म देखने के लिए तो बहुत खुश थे, फिर अचानक ये क्या हो गया? कोई झगड़ा हुआ था दोनों के बीच? नहीं नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन दोनों जब घर से बाहर निकल रहे थे तो पोस्टमैन आया एक लेटर लेकर, और लेटर देखते ही रवि के चेहरे का रंग एकदम बदल गया और वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। जब थोड़ी देर वो बाहर नहीं निकला तो सुहाना उसे खींच लाए, दोनों को वैसे भी देर हो रही थी और वो लोग जल्दी चले गए, और फिर ये बुरी खबर आई। उस लेटर में क्या था? पता नहीं। वो लेटर कहाँ? शायद रवि के रूम में ही होगा। डॉक्टर रवि की पत्नी की तबीयत कैसी है? वो चाकू अगर आपने उनकी बॉडी में से निकाल दिया तो हमें दे दीजिए, देखते हैं कि उसके ऊपर किसकी उंगलियों के निशान। सर उस चाकू को आप भूल जाएं तो अच्छा है, वो चाकू आपको नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता? क्यों? सुहाना को दिल के बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। अरे कैसा है? बस फर्स्ट क्लास, बढ़िया। बोला क्या छुपा रहा मुझसे? किधर क्या कुछ नहीं, चल ना मजाक मत कर, दिखा ना जेब में क्या है। जेब में? हाँ। अरे जेब में ये क्या है? कार्टून कैरेक्टर। बचपन में मैं छोटा था ना, तब से मुझे कार्टून का स्टिकर जमा करने का शौक है, आपको क्या लगा? क्या साहब, आज तक अक्षु ने भी मुझ पर इस तरह शक नहीं किया। मुझसे मजाक कर रहा है? इस जेब में दिखाना क्या है?
क्या क्या कुछ नहीं, दिखाना दिखाना। अरे दिखा तो सही, ये क्या है, क्या ये? ये भी मैं बताऊं, ये वो लड़की का फोटो है जिसके पति ने उसको चाकू मार दिया था। डॉक्टर सुधीर? या मैं एसीपी आजाद छत्रु सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। हेलो। हेलो, कैसी हालत है सुहाना की? स्टेबल है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, बचेगी या ना बचेगी। आपने चाकू नहीं निकाला अभी तक? इसे निकाल देते तो शायद ठीक हो जाती। चाकू नहीं निकाला इसलिए तो जिंदा है, चाकू निकाला होता तो फौरन मर जाती। चाकू निकालने से मौत हो जाती, ये तो बड़ी अजीब बात है। कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए इतना बड़ा एक्सरे लगा के रखा है। वो देखिए, चाकू सुहाना को दिल में लगा है, एंडोकार्डियल वेंट्रिकल में, वो भी इस तरह से जहां पंक्चर हुआ है उस जगह को चाकू ने बंद करके रखा है। अगर वहां से चाकू को निकाला गया तो हार्ट एकदम से फट जाएगा, खून निकलेगा और वो फौरन मर जाएगी। कमाल है सर, चाकू की वजह से कुछ जिंदा है ये पहली बार देख रहा हूं। यहाँ हॉस्पिटल में हर रोज कोई ना कोई मिराकल देखने को मिलता है, भगवान कुछ ना कुछ नई चीजें दिखाता रहता है। डॉक्टर, एक्चुअली बात ऐसी है कि हमें किसी तरह से उस चाकू के ऊपर से उंगलियों के निशान चाहिए। चाकू पे से? जी, वो कुछ साफ साफ पता नहीं चल पा रहा है कि इसके पति ने इसे मारा या नहीं। अरे आप लोग कुछ तो रहम कीजिए उस पर, आप चाकू पर ब्रश से पाउडर लगाएंगे, उससे अगर चाकू जरा भी हिला वो मर जाएगी। अगर आप उसके मरने की जिम्मेदारी लेते हैं तो कीजिए, मार दीजिए उसे। देखिए आप इस तरह से, देखिए आप मुझे मेरा काम मत समझाइए प्लीज। आई एम सॉरी डॉक्टर, इट्स ओके। ये जरा कुछ अलग सा है, इस पे कुछ बना हुआ है। देखे, हाँ अजीब सा तो है, इसे एविडेंस बैग में रखो, फॉरेंसिक लेके जाना पड़ेगा। हर चीज हम फॉरेंसिक लैब में ही लेके जाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अभिमन, अगर तुम्हें इस एनवलप पे कुछ मिलता है तो अच्छा है। देखो देखो ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा तुम्हें। ये देखिए, दुनिया भर की परफ्यूम की बॉटल्स हैं यहाँ पे, और खास बात तो ये है कि सब पूरी की पूरी भरी हुई हैं, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया इन्हें। किसी भी बॉटल का सील तक नहीं निकला हुआ है, प्राइस टैग तक चिपका हुआ है इसमें। बड़ा अजीब शौक है, सामान तो खरीदा है मगर इस्तेमाल नहीं किया। ये परफ्यूम्स रवि के हैं, उसे बहुत पसंद है पर क्या? पर वो इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब? उसे एलर्जी है, स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जी? हाँ, जब भी वो परफ्यूम लगाता है उसकी स्किन पर दाग आ जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है उसे। परफ्यूम्स की बोतल काफी पुरानी है। पुराने हैं? एक साल से उसने परफ्यूम खरीदना बंद कर दिया। मगर इन परफ्यूम्स की बोतल पे जो प्राइस टैग लगे उससे तो ऐसा लगता है कि ये बॉटल्स अभी खरीदे हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए, Thank you.
डॉक्टर नियति, क्या कहते हैं कागज के टुकड़े? सर, फोरेंसिक में तो मुर्दे भी बोलते हैं, तो फिर ये किस चिड़िया का नाम है? देखिए, कुछ बताने की कोशिश तो कर रहे हैं। मुझे बड़ी अजीब सी लगी थी ये लाइनें जो इस सर्कल में बनी हुई। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये गोल गोल लाइनें हैं क्या। मुझे लगता है डॉक्टर कि ये सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म तो इस एनवेलप के फटे हुए दूसरे टुकड़े में। सर, अगर मुझे इसका आधा फटा हुआ टुकड़ा मिल जाए ना, तो समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। डॉक्टर, इन एनवेलप्स के साथ एक फोटो का टुकड़ा भी तो मिला था रवि के घर पे डस्टबिन से। वो टुकड़ा उस टुकड़े के साथ जुड़ गया है जो हमें सिनेमा हॉल में मिला था। बहुत अजीब बात है, सुहाना का फोटो कोई रवि को क्यों भेजेगा? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि असली खूनी कोई और ही हो। हो सकता है, मगर सर, उस खूनी का कोई सबूत नहीं है हमारे पास। सबूत है जैस्मिन, वो सुहाना अपने दिल में छुपा कर बैठी है। उसके दिल में जो चाकू लगा हुआ है उसके ऊपर खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे। यस सर, लेकिन उस चाकू से फिंगरप्रिंट्स निकालना बहुत मुश्किल है। चाकू जरा सा भी हिल गया तो सुहाना की जान जा सकती है। सर, अगर रवि होश में आ गया तो वो बता देगा कुछ ना कुछ। हेलो, मैं साइन हॉस्पिटल से डॉक्टर बोल रहा हूँ। बोलिए। यहाँ पर जो मिस्टर रवि एडमिट थे उन्हें होश आ गया। अच्छा, हम फौरन वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ क्यों रखा गया है? तुम्हें यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें थोड़ी देर के बाद सब पता चल जाएगा। ये तो आप पिछले आधे घंटे से कह रहे हैं। आइए सर। रवि, यह है इंस्पेक्टर प्रताप, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से? आप क्यों आए यहाँ पे? रवि जी, 16 तारीख को आप कहाँ थे, कुछ याद है आपको? 16 तारीख को ऑफिस में था दिन में, और दोपहर में घर चला गया था। घर क्यों आए थे? फिल्म देखने जाना था। ओ, तो फिल्म कैसी लगी आपको? कौन सी फिल्म? वही फिल्म जो आप अपनी वाइफ सुहाना के साथ देखने गए थे। मैं सुहाना के साथ गया था? मुझे कुछ याद नहीं। ये टिकट हमें आपकी जेब में से मिला रवि जी। हाँ, ये मैंने बुधवार को बुक किए थे फोन पे। हाँ, ये वही टिकट है। अपने बीवी को फिल्म दिखाने के लिए लेकर जाते हो और वहां जाकर मार देते हो उसे। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या सुहाना का खून मैंने? सुहाना कहाँ है? सुहाना जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है बेचारी। देखिए, जरा इसे देखिए, सुहाना की फोटो। हाँ, जरा बताएंगे कि आपने इस फोटो को इस तरह क्यों फाड़ा है और इस पे ये हर ऐसे क्यों लिखा है? मुझे कुछ पता नहीं। मुझे डॉक्टर साहब, अब ये ठीक है, उठ सकते हैं, हमें अपने साथ लेके जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे कुछ बात करनी है, प्लीज सर, आप लोग जरा बाहर आएंगे। क्या हुआ? सर, मुझे नहीं लगता है कि ये रवि झूठ बोल रहा है। मतलब ये सर कि इसकी हालत देखिए, सुहाना को चाकू मारने के बाद शौक से ये बेहोश हो गया, और मेरे ख्याल से ये अभी भी शौक में है। अगर इस पर ज्यादा जबरदस्ती की गई, ज्यादा दबाव डाला गया, तो इसके दिमाग की नस फट सकती है। मगर पता तो चलना चाहिए ना कि सच क्या है। इसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट करके देखते हैं कि ये सच बोल रहा है या वाकई में से कुछ याद। हम उस आदमी को